और शुभांगा, देखिए इस जीत में दिलचस्प बात यह भी है कि इंडिया टुडे, एक्सेस माय इंडिया के जो हमने एग्जिट पोल के नतीजे दिखाए थे, वो दरअसल इन रुझानों और नतीजों के एकदम सटीक साबित हुए हैं। हमने अपने एग्जिट पोल्स में दिखाया था कि कैसे 5 राज्यों में बीजेपी ही बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी, और वही आज सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सीएमडी एक्सेस माय इंडिया प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में आएंगे, और मैं चाहूंगी कि तालियों के साथ हम एक बार बिल्कुल एक बार मुझे लगता है कि ये सम्मान वो डिजर्व करते हैं। बहुत बहुत वेलकम है आपका। प्रदीप सर, सर आप मुझे लगता है एक बार फिर से आए। हाँ, आप एक बार फिर से घूम के सर इधर आइए बैठिए। जश्न का मौका है तो मुंह मीठा करके आए हैं आप सर, और हमारा भी कराएंगे क्या? नहीं, मैं बिल्कुल मुंह मीठा करके आया हूं, और फुल क्रेडिट 101% क्रेडिट एक्सेस माई इंडिया की टीम, जो पिछले 3 महीनों से लगातार प्रयास कर रही है जमीन के ऊपर हर कंस्टिट्यूएंसी में, 690 टोटल असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में और बैक ऑफिस के अंदर। फुल क्रेडिट टू देम, फुल थैंक्स टू देम एक्सेस माई इंडिया। प्रदीप जी, एक सवाल क्योंकि मन में बार बार आता है कि कितना प्रेशर आप पर रहा, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में कोई भी सीएम 5 साल रहने के बाद दोबारा आया नहीं था, 37 साल सरकार रिपीट नहीं हुई थी, और आपने 2/3 बहुमत दिया था जो यहाँ दिख रहा है, तो ऐसे में कितना प्रेशर आपके ऊपर रहा अब तक? नहीं, प्रेशर पिछले 1 महीने से मैं बताऊँ तो 15 दिन तो मैंने किसी से बात ही नहीं करी, क्योंकि मैं किसको क्या जवाब दूँ। और हर आदमी करीब करीब सोशल मीडिया और चारों तरफ जो आपका इकोसिस्टम होता है, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स सब जगह, वो कह रहे थे बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत कांटे की टक्कर है। और जब हमारे सर्वे के अंदर ये आंकड़े आ रहे थे तो एक असमंजस की स्थिति कई बार आ जाती है कि किसको विश्वास किया जाए, अपनी टीम को या ये चारों तरफ जो लोग कह रहे हैं उसको विश्वास किया जाए। लेकिन हमेशा की तरह हमने एक्सेस माई इंडिया की टीम को तवज्जो दिया और जो उन्होंने आंकड़े लाए उसको प्रस्तुत किया। लेकिन प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए क्या काम कर दिया, क्योंकि 3 मुद्दे आपने गिनाए थे वहां पर, मुख्य तौर पर विकास का एजेंडा काम किया, जिसमें खास तौर पर अगर मोदी जी की द्वारा जो स्कीम्स की शुरुआत की गई उसको एक आधार माने यहां पर वोट का, या फिर बाकी 2 वजह भी हम काउंटर कर सकते? नहीं, आप, मैं कहूँगा कि एक ही वजह मानिए, मैं बताता हूँ आपको वो कैसे, वो है डिलीवरी। यानी सरकार जिसके लिए बनी है और जनता ने चुन के भेजा है, कोई भी सरकार हो, वो यदि डिलीवरी ना करे तो वो कोई काम की नहीं है, ये मान लीजिए आप। जब मैं डिलीवरी कह रहा हूँ तो मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है पिछले 5 से 7 साल